पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा बारगढ़ में पदमपुर में 40 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की, तो फिलहाल उड़ीसा में हमारा जो साउथ बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर के बीच में लाई कर रही है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से आने वाले दिनों में उड़ीसा के ऊपर बारिश होने की संभावना है। अगर हम बात करें डे वन यानी कि आज, जो साउथ कोस्टल उड़ीसा, पुरी, खुर्दा, गंजम, रायगढ़, गजपति, नयागढ़, गजपति, इन डिस्ट्रिक्ट में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद डे वन में आज कोस्टल उड़ीसा, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है, इस वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 9 तारीख यानी कल जो कोस्टल उड़ीसा, हमारा साउथ कोस्टल उड़ीसा है, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, गजपति, वहां पर ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी और बाकी रेस्ट ऑफ द उड़ीसा पे अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और इस बार 9 तारीख को डे 2 में वार्निंग भी दी गई है, जिसमें वार्निंग में अगर बात करें तो हमारा कोस्टल उड़ीसा और एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, मयूरभंज, केवंझर, अनुगुल, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, इनमें आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा पूरी, गंजम, गजपति में एक दो स्थानों पर हैवी रेनफॉल की भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम बात करें डे 3 यानी 10 तारीख को, पूरे उड़ीसा के ऊपर फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रेनफॉल का। 11 तारीख को जो साउथ इंटीरियर उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, वहां पर हमारे पास अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज होगी और बाकी जो रेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, वहां कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसका डे 5 यानी 12 तारीख को पूरे उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगर हमारे भुवनेश्वर में तो जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, एक दो स्पेल रेनफॉल के हो सकते हैं और टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।